व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी। और चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे गाजर, आलू और मेथी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हमारे पास है गाजर 1 किलो, इसको हमने काट लिया है। साथ ही हमारे पास 1/2 किलो आलू है, इनको भी हमने काट दिया है। और ये हमारे पास थोड़ी सी तकरीबन मेथी है, उसको भी हमने काट लिया है बारीक बारीक। ये हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है, इसको 1 खाने का चम्मच, और ये क्रश की हुई लाल मिर्च है 1.5 खाने का चम्मच। साथ ही हल्दी पाउडर है 1 खाने का चम्मच, और नमक भी है 1 खाने का चम्मच, और यह है सफ़ेद ज़ीरा 1/2 खाने का चम्मच। घी है हमारे पास 1/2 कप। 1 अदद हमारे पास टमाटर है, इसको हमने काट लिया है। और साथ ही हमारे पास थोड़ा सा सब्ज़ धनिया है, इसको भी काट दिया। ये हमारे पास 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्च है, इसको काट दिया है। और तकरीबन 2 अदद प्याज है, इनको भी हमने काट लिया है। और ये हमारे पास 6 से 7 अदद जवे लहसुन के हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया। और ये थोड़ी सी अदरक है, इसको भी काट लिया। पहले हमने कढ़ाई ऊपर रखी, अब हम आग जलाएंगे। आग जलाने के बाद इसमें ये घी डालेंगे। जी बस, हमारा घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। इनको लाइट सा ब्राउन करेंगे। जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं उतनी देर तक हम गाजरों को थोड़ा सा बॉईल कर लेते हैं। बर्तन में हमने पानी लिया, उसको हमने ऊपर से बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें ये गाजरें डाल देंगे। लाइट से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे और साथ ही कटे हुए सब्ज मिर्च, और उसके बाद ये अदरक डाल देंगे। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर दम पे रख देंगे, ताकि लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च और टमाटर भी अच्छे तरीके से नरम हो जाए। देखेंगे कि हमारे टमाटर, सब्ज मिर्च, अदरक नरम हुई है कि नहीं। जी भाई, अच्छे तरीके से नरम हो चुकी है। अब हम इसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास नमक है, ये डालेंगे और वो डाल देंगे, और ये हल्दी पाउडर है, ये भी सारा ही डालेंगे। ये सफेद जीरा, लाल मिर्च पाउडर, क्रश की लाल मिर्च। अब इनको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। तकरीबन मसाला रेडी होने में 15 मिनट लगेंगे, उतनी देर में हमारी गाजरें बॉईल हो जाएंगी। जी व्यूअर्स, हमारा मसाला अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम सबसे पहले इसमें मेथी डालेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दम पे रखेंगे, नीचे से आंच हल्की कर देंगे। साथ ही गाजरें डाल देंगे। इनको भी अच्छे, ये अभी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनको दम पे रखेंगे तकरीबन
10 से 15 मिनट। जी व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि हमारी मेथी और गाजरें नरम हुई हैं कि नहीं। जी व्यूअर्स, ये नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जी व्यूअर्स, अब ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इनको भी दम पे रखेंगे। तकरीबन 20 से 15 मिनट में हमारी ये हांडी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारी हांडी तैयार हुई है कि नहीं। ये देखें, ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने गार्निश धनिया के साथ इसके ऊपर गार्निश की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबाएँ ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए अल्लाह।